हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। मैं जहाँ जा रही हूँ ना, मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, इससे पहले आज तक मैं कभी नहीं गई थी। मैं सुनी थी मेरी मम्मी हर दिवाली या धनतेरस ऐसे कुछ होता था तो उसमें वहाँ पर जाती थी नहाने, बलुआ घाट। आप अगर इलाहाबाद में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो बलुआ घाट है और सुना है कि काफ़ी अच्छी जगह है। आ जाओ। हाय हाय। तो बाबू अभी थोड़ी सी नहाई है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा काजल वाजल सब कुछ लगाई है। और जैसा कि ठंडी आ गई है तो मैंने इसको लगाया है, बेबी जॉनसन्स का मॉइस्चराइजर है ना। तो वहां पर हम जा रहे, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी तो मैं फर्स्ट बार ही जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। और जैसे मैं घर में हूँ सेम वैसे ही जाऊंगी मैं, रेडी वेडी होके नहीं जाऊंगी। बस मैं एक कुर्ती डालूंगी और नेल पेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा है, कुर्ती डालूंगी और एजावेला डालूंगी। मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, लैक्मे का काजल बिंदी, और थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा रखी है अपनी, ये देखिए कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे ही जाऊंगी, कॉम कर लूंगी और उसके बाद हमें निकलना है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, और क्योंकि हमें निकलना है 1 बजे तक हमें निकलना है। और हो चुके हैं सारी चीजें, नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, लेकिन जो बर्तन निकला है उसको धुलना है और क्लीन करना है, फिर गैस वगैरह भी क्लीन करना है, फिर अपना एक बार बिस्तर विस्तर झाड़ के ही निकलना, तक आए तो हमें साफ सुथरा मिले। और बाबू को भी रेडी करना है ना, बाबू भी रेडी हो गए ना। तो चलिए अभी जब हम आएंगे जब फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और निकलते समय अगर देखती हूँ वीडियो बनाऊंगी तो ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं वहां पर मिलती हूँ या जाते समय मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम सैंडल देख रहे थे बाबू के लिए और काफ़ी ठीक ठाक थी, तो मुझे लगा अगर ठीक होंगी तो घर में पहनने के लिए ले लूँगी मैं। लेकिन सैंडल मुझे अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस ज़्यादा थी। 400 उन्होंने बताया बच्चे की, और मैं 300 में इतनी अच्छी लेकर आई थी, आपने देखा। और ये मतलब कि 400 के लायक नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं लिया। पुरानी पुरानी सी उतरी उतरी सी लग रही थी। एक पिंक वाली मुझे अच्छी लगी तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया 400 में, और यही सैंडल मैंने वहाँ पे 300 में देखी थी, तो मुझे ये भी पसंद थी और ब्लैक वाली भी, तो इस वजह से फिर मैंने उसे नहीं लिया, क्योंकि वो 300 में मुझे वहाँ चौक में मिल रही थी, इस वजह से मैंने नहीं लिया। मैंने कहा महंगी है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं थी, जो कि चौक वाले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जब मैंने चूड़ियाँ देखी तो मैंने कहा चलो चूड़ियाँ ले लेती हूँ, मेरे पास चूड़ियाँ कांच की नहीं है। बस इतनी कलर है जो यहाँ पर है, ये दे दीजिए। कच्ची है क्या ये? पहले निकाल एक दिखाइए थोड़ा सा। दे दीजिए ये। पीला नहीं चाहिए, दो कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी ले ली है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा चूड़ी का चूड़ी का शौक़ है। मैं सारी दुकान में चूड़ी कंगन ज़्यादा देख रही थी, और ख़ास तौर से मुझे कांच की प्लेन चूड़ियाँ काफ़ी पसंद आती है। मेरे पास नहीं थी, वो इस वजह से नहीं थी कि जब भी मैं लेने जाती थी तो मुझे मेरी साड़ी की मैचिंग की नहीं मिलती थी, बट रेड वेड मिलती थी, मेरी साड़ी की मैचिंग की नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर कुछ मिल गई, और इसके बाद मैं यहाँ पर कंगन देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अच्छे लग रहे थे और काफ़ी सस्ते भी मिल रहे थे। यार सच में काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, इस तरीके से इतना सस्ता मैंने कहीं पर नहीं देखा। तो कुछ कंगन मैंने यहाँ पे लिए हैं, कुछ नहीं, एक दो लिए हैं बस। और इसके बाद फिर हम आगे आ गए, और जहाँ मैं रुक रही थी सारी शॉप पर मैं वहीं रुक रही थी जहाँ कि कंगन चूड़ी ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी, और बाबू के खिलौने के पास। तो बाबू को खिलौने नहीं पसंद आ रहे थे,
कुछ चीज़ें मैंने उसके लिए भी ले ली हैं जो मुझे अच्छी लग रही थी, कि वो उसे खिलौने का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत शौक़ है कि वो खेले। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब गंगा जी के पास। मुझे नहीं पता था पहले, बाद में पता चला क्योंकि मेरी बहन आ चुकी है और इससे पहले मैं कभी नहीं यहाँ पर आई हूँ। तो ये है यमुना जी और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का लोकेशन। जैसे गंगा जी का है तो आप डायरेक्ट जाओगे तो डायरेक्ट आपको घाट मिल जाता है और इस तरह का व्यू आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी है, वहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, जैसे आप देख रहे हैं ना छप्पर, बस ऐसे छप्पर लगे हुए हैं। और ये तख्त हमारे यहाँ इलाहाबाद में मैं तख्त बोलती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है आप लोग क्या बोलते हो। तो इसी तरीके का रहता है घाट में, बिल्कुल प्लेन सा, जैसे नीचे जब मैं जाऊँगी बिल्कुल प्लेन रहता है और नीचे पैरा वगैरह डाले रहते हैं, या पैरा नहीं रहेगा तो प्लेन रहेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं आपको चलते समय व्यू दिखा दूँगी। तो जब यहाँ तक आए ही हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें गंगा जी के पास यानी यमुना जी के पास, जमुना क्या बताई थी मैं भूल गई, एडिटिंग कर रही हूँ, तो नीचे तो हमको जाना ही जाना है। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क लेते हैं, और ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं ना तो गंगा जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो मैंने कहा बाबू भी है और उसको भी ले चलते हैं, इससे पहले उसको बहुत कम एक दो बार ही ले गए हैं क्योंकि इसका मुंडन नहीं हुआ था। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक मुंडन नहीं होता तो जब तक बच्चों को नहीं ले जाया जाता है, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। और इसके बाद हो रही थी सैंडल उतारने की बात, तो मैंने कहा कि चलो नीचे चलकर उतार लेते हैं थोड़ी देर में। तो सोनम ने बताया नहीं, वहाँ वो वहाँ पर नहीं उतारा जाता, यहीं उतार लो। और कभी कभी होता है ना कि दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, तो कोई ना कोई जो साथ में रहता है वो बता देता है, और ये बात तो सही थी, बिल्कुल पास नहीं उतारना अच्छा लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि हम गए नहीं, हम गए हैं और हमेशा गंगा जी के यहाँ गए हैं, यानी कि संगम, तो वहाँ पर हम काफ़ी दूर पर उतारते थे। लेकिन कभी कभी हो जाता है इंसान की, कहते हैं ना मती मार जाती है, तो वही हाल मेरा भी हो गया था। तो वहाँ पे देखिए फूल वगैरह भी चढ़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो वहाँ तक चप्पल ले गए थे, तो वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, उसी में धूल रहे थे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप गंगा जी के पास जाओ और उन्हीं के पानी से अपने चप्पल को धुलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पैर को पोंछ के उसके बाद आप सैंडल वगैरह पहन लो, लेकिन वहाँ पर चप्पल आपको नहीं ले जानी चाहिए धुलने के लिए। मैं ले जाती जहाँ पर मेरी बहन खड़ी है उससे थोड़ी सी दूर पर रखती, लेकिन हो जाता कभी कभी दिमाग काम नहीं करता और नहीं ठीक था वहाँ तक ले जाना, इस वजह से हम नहीं ले गए। और यहाँ पे हम गंगा जल मैंने अपने ऊपर बाबू के ऊपर छिड़क दिया है, और यहाँ पर थोड़ी सी हम टिकटॉक की वीडियो भी बनाने लगे थे, ये देखिए मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और मैं मॉर्निंग में उठते ही एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि कल बाबू वॉइस रिकॉर्ड करने नहीं दी थी, बोल रही मत बोलो। और अभी मैं चाय भी पी रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ, बाबू सो रही है। तो बाहर का भी कुछ इस तरीके का है, ये देखिए सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, सब नहा धोकर अच्छे से रेडी वेडी हो रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का व्यू चलते समय, फिर मैंने यहाँ सोनम से बोला कि थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींच लो मेरी बाबू की, और ये देखिए यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अभी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, दर्शन भी कर लिए गंगा माता के, अब हम निकल रहे हैं, बाबू अपनी मौसी के पास है। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, पीछे का काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं ऐसी आ गई थी और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है, कितना बज गया सोना, लेट हो गया, तो अब हमें निकलना है। और सामान भी हमने ले लिए काफ़ी, और ये देखिए किस, मैंने अपने लैगी को ऊपर चढ़ा रखा क्योंकि गंगा जी में गई थी, थक गए अभी इतना ऊंचा और चढ़ना है। और ये मंदिर है यहाँ पर एक, और ये देखिए मरगा घाट बनवाना है, और इसको बोलते हैं बलुआ घाट, बलुआ घाट मतलब गंगा जी नहीं है, जमुना जी है, जमुना, जमुना जी बोलते हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं थक गई हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो जा रही होगी। तो चलिए अभी चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में, मिलती रहूँगी बीच बीच में। तो चलो चलो फिर चलो 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 चलो, 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 चलो।
अच्छी अच्छी यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। बाहर का तो मैंने बहुत ज़्यादा व्यू रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन नंदिनी जी ने बोला था दी आप फालतू चीज़ें ऐड कर रहे हो, वीडियो लंबी हो जा रही है। उनका कहना ठीक भी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश की हूँ कि मैं फालतू चीज़ें ना ऐड करूँ। वैसे मैं हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि फालतू चीज़ें ना ऐड हो, जैसे कि उस वीडियो में मुझे नहीं समझ में आया कि फालतू चीज़ें क्या थी, जो जो मुझे पसंद आई थी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी थी। बट हो जाता है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगले इंसान को समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं। कभी कभी हो जाती है सारी चीज़ें कि हमारे नज़र के सामने ही रहती है कोई चीज़, तो हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ है कैसे जाना है, लेकिन जब कोई इंसान अचानक से आता है वो बोल देता है ये देखो ऐसे तो जाना है, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो बस मुझे नहीं समझ में आया उसमें कुछ, तो ठीक है अब मैं कोशिश कर रही थी इस वीडियो में कि मैं फालतू चीज़ें ना ऐड करूँ। कुछ दुकानें मैं आपको छोटी छोटी सी दुकानें दिखा दे रही हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा ये लंबी थी वाकई में, तो मैंने कहा कि अब इतनी लंबी नहीं करना है, छोटी सी डालनी है। कोशिश की है मैंने 15 मिनट से कम की वीडियो में डालूँ। तो वहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप कभी अगर इलाहाबाद में रहते हो तो बलुआ घाट में आइएगा, काफ़ी अच्छा मेला लगता है, काफ़ी बजट में लगता है, सस्ता लगता है। और ये देखिए, तो अब बहुत हो गई बातें, तो चलिए अब मैं आप लोगों से घर पर चलकर ही मिलूंगी, क्योंकि यहाँ की वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी घर पर आप लोगों से बातें कर लूँगी वीडियो का एंड करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ घर पर। ओके, तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, और मतलब काफ़ी लेट हो चुका था मुझे आए, और लगभग मैं आ चुकी थी साढ़े चार साढ़े पाँच बजे मैं आई थी, तो अभी इस टाइम रात के बज रहे हैं 8:30। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा काजल मैंने लगा लिया, फेस को थोड़ा सा मैंने क्लीन भी किया है, कॉम भी किया है, क्योंकि हेयर वगैरह मेरे थोड़े से ख़राब हो गए थे आने के बाद, काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे, तो मैं ज़्यादा कॉम उतना ज़्यादा कॉम नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम भी कर लिया। और मैं जहाँ सोफे पर बैठकर वीडियो बनाती हूँ तो वहाँ पर बाबू बैठने नहीं दे रही, करी जाओ 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 यहाँ से, बैठने नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पे बैठ गई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाने के बाद, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आजकल का ब्लॉग, जो भी ब्लॉग्स आ रहा, बस मेरा कहीं जाना, जो भी ब्लॉग मैं डाल रही हूँ बस कहीं जा रही हूँ। आप लोग बोलोगे दी अपना ब्लॉग जो भी आजकल डाल रही है बस कहीं जा ही रही हैं, कुछ भी घर का नहीं दिखा रही हैं, ब्लॉग डाल भी रही हैं तो कुछ भी घर का नहीं दिखा रही है, बस ये है कि रोज़ रोज़ का वही हो गया है। ये आप लोग भी बोलोगे कि दी रोज़ रोज़ बस यही कर रही है, कहीं जा रही है, क्या करूँ। जिस दिन से मैं ब्लॉग डाल रही हूँ उस दिन से बस कहीं जाना यही है। और हाँ, ब्लॉग वैसे भी जब कहीं जाती हूँ या कुछ खास होता है जब भी डालती हूँ, वैसे तो मेकअप ही जाती, लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग वीडियो ही डालूँ, मुझे अच्छी लगती हैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करना। तो अभी अब कुछ दिन वेट कर लीजिए, एक दो ब्लॉग और जाएगा आप लोगों को कहीं जाने का, फिर मैं आप लोगों को घर की सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा वेट करिए। और घर की चीज़ें, घर का भी दिखाऊंगी कि क्या करना है कैसे करना, लेकिन रोज़ रोज़ हो जाता है ना जाना आना, तो उसको भी ऐड करूंगी, इसको भी ऐड करूंगी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जाना आना तो रोज़ लगेगा नहीं, पहली बार गई थी तो आप लोगों को भी दिखाना बनता है कि नहीं बनता है। वैसे तो ब्लॉग घर का ही डाल देती, लेकिन आप लोगों को भी देखना मिल जाता है मेरे साथ साथ, है ना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को भी लगता होगा दी इतनी ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो डालती है, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने पक पक कर ली है, तो वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ, कर दूँ ना, ठीक है कर देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो जो मैं सामान लाई हूँ मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, थोड़ा बहुत लाई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ आप लोगों को ब्लॉग में ही दिखा दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ।